सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ओजेट टैबलेट के बारे में कि अगर आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि फाइनल ओजेट टैबलेट का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको पेचिस हो गया है या फिर आपके आँतों में सूजन हो गया है, आपके पेट में सूजन हो गया है, तो उस केस में अगर आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों अभी आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है इसके साथ में ताकि आपको बड़ा रिस्पॉन्स मिल सके। तो अगर आपको पेचिस की शिकायत हो गई, पेचिस आप जानते होंगे डिसेंट्री जिसे कहते हैं, उसकी शिकायत हो गई, तो उस केस में अगर आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बताते हैं दोस्तों किन किन दवाओं का आपको फाइनल ओजेट के साथ में प्रयोग करना है। अगर आपको पेचिस की शिकायत हो गई तो इसके साथ में आपको मेप्टाइल स्पास टैबलेट का प्रयोग करना है, प्लस एसीलाक टैबलेट का प्रयोग करना है और फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करना है। इन तीन टैबलेट्स का आपको प्रयोग करना है सुबह शाम में, दोनों टाइम इसका प्रयोग करिए। और अगर आपको दो तीन चार दिनों से पेचिस की शिकायत है तो आप लगभग 4 से 5 खुराक इसको खा लीजिए, तो इससे क्या होगा आपका जो पेट है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में आप यूनिनजाइम टैबलेट भी ले सकते हैं। तो यूनिनजाइम टैबलेट हो गया आपका, एसीलाक टैबलेट हो गया, मेप्टाइल स्पास टैबलेट हो गया, फाइनल ओजेट टैबलेट हो गया, जिसका आपको प्रयोग करना है। और अगर आपके आँख में सूजन भी हो गया है या फिर अगर आपके पेट में सूजन है तो वहाँ पे भी अगर आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगर आपके पेट में सूजन हो गया तो उसके साथ में आप फाइनल ओजेट के साथ में आप जीरोडाल स्पीड टैबलेट का और एसीलाक टैबलेट का प्रयोग करिए। अगर आपके आँख में सूजन है, पेट में सूजन है या कहीं पर भी पेट मैनी आपके पेट के अंदर कहीं भी सूजन है तो वहाँ पर अगर आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपका जीरोडाल एसपी टैबलेट के साथ में और एसीलाक टैबलेट के साथ में फाइनल ओजेट टैबलेट का। प्लस अगर आपको पेचिस है तो आपको फाइनल ओजेट टैबलेट लेना है, आपको मेप्टाइल स्पास टैबलेट लेना है, एसीलाक टैबलेट और यूनिनजाइम टैबलेट लेना है, इसका आपको सुबह शाम प्रयोग करना है। बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की, कौन कौन से फार्मूले इसमें डाले गए हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला इसमें डाला गया है लियोफ्लॉक्सासिन और दूसरा फार्मूला इसमें डाला गया है ओरिंडाजोल। लियोफ्लॉक्सासिन की मात्रा जो है 250 mg है और ओरिंडाजोल की मात्रा जो है इसमें 500 mg डाली गई है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों जो इसकी MRP है वो है 58 रुपये यानी 58 रुपीज़ में आपको 6 टैबलेट मिलते हैं। 6 टैबलेट इसे आप परचेज कर लीजिए और इसका प्रयोग करिए। दोस्तों बात कर लेते हैं किस एज के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है वो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, केवल गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग ना करें। और उनको अगर प्रयोग भी करना है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद में ही इसका प्रयोग करें। तो दिखाते हैं इसका ओवरव्यू कैसे दिखता है। उसकी कंपनी जो है वो डिस्कवरी मैनकाइंड है, मैनकाइंड डिवीजन है डिस्कवरी, जिसको आप जानते होंगे, उसके वो ही ये प्रोडक्ट को बनाती है और सेल भी करती है। तो दिखाते हैं इसका ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो आप देख लीजिए, ये है फाइनल ओजेट टैबलेट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। ये एक स्ट्रिप में आता है 6 टैबलेट जिसका प्राइस है 58 रुपये। तो आप मार्केट से इसे परचेज कर लीजिए। अगर आपको खूनी पेचिस भी है तो वहाँ पे भी काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देता है, या फिर अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होकर पेचिस हो रही है तो वहाँ पे भी अगर आप इसका फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और कई सारे लोगों ने प्रयोग किया है और हम लोग भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं फाइनल ओजेट टैबलेट के लिए, और उनका जो फीडबैक आता है काफ़ी पॉजिटिव आता है। तो अगर आपको पेचिस की शिकायत है तो उस केस में आप फाइनल ओजेट टैबलेट का प्रयोग करिए, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो हमने आपको जो दवाएं बताई हैं उसके साथ में ही इसका आप प्रयोग करें, जिससे आपका यूनिनजाइम टैबलेट हो गया, एसीलाक टैबलेट हो गया, मेप्टाइल स्पास टैबलेट हो गया और आपका फाइनल ओजेट टैबलेट हो गया। इसका जो प्रयोग करना है आपको खाना खाने के बाद में ही करना है, खाना खाने से पहले किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी फाइनल ओजेट टैबलेट के बारे में। और अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो जो हमने आपको ना दी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।